नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं गुरु जी के महा उपाय। हम लंबे समय से दोस्तों बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के तमाम अवतारों की, लेकिन आज हम उनके पहले और दूसरे अवतार के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि उन्होंने प्रतीक स्वरूप हमारे आसपास मानव कल्याण के लिए वो कौन से प्रतीक छोड़े हुए हैं, वो कौन से स्वरूप छोड़े हुए हैं जिनको हम अपने घर में स्थापित करके सुख समृद्धि को अपने घर बुला सकते हैं। और इन सारे रहस्यों की जानकारी के लिए, सारे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं मशहूर प्राची विद्या विशेषज्ञ पंडित डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। गुरु जी बड़ा आज विचित्र एक बात आई कि हम फिर से भगवान विष्णु के ही स्वरूप की अगर हम बात करें तो वो चूंकि धरती के पालन करता है, ब्रह्मांड के पालन करता है, तो उनके स्वरूप की बात आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। और देखा जाए तो जैसा कि आप पहले से बताते रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हमारा वैदिक साहित्य है, हमारी वैदिक संस्कृति है, उसको अलग अलग रूप में, नए रूप में लोगों ने एक अपना लिया है बाहर के देशों ने, और हम हमारे पास वो जो संस्कृति है उससे हम कहीं दूर हो गए। आज हम बात करेंगे मछली की। गुरुजी, लोग अपने घरों में मछली रखते हैं और मत्स्य के बारे में कुछ बताइए कि कितनी, किस तरह से ज्योतिर्विज्ञान इनको लेता है। देखिए, अगर मछली की बात करें तो जो सृष्टि के प्रारंभ में जो भगवान विष्णु का जो प्रथम अवतरण हुआ, वो मत्स्य अवतार, जो भव सागर से जो ऋषियों को, उनके जो सेवक हैं, उनके जो भक्त गण हैं, उनको भव सागर से पार करने के लिए भगवान विष्णु ने मछली का स्वरूप रखा उनको, और वो ऐसे एक नाव में फंसे हुए थे जो वो बीच में डोल रही थी, तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार रख के उन ऋषियों को भवसागर से पार कराया। उद्धारक वो भगवान विष्णु एक स्वरूप माना जाता है। दूसरा ऐसे ही जो स्वरूप माना जाता है भगवान विष्णु का, वो कूर्म अवतार, कच्छप अवतार। वो जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने वो सुमेरु पर्वत के ऊपर अपनी पीठ के ऊपर उसको धारण किया था कछुए के स्वरूप में। तो कछुए का जो खोल होता है वो बड़ा मजबूत होता है, तो जो सुमेरु पर्वत था उसको आधार दिया था समुद्र मंथन। नाना प्रकार के जो दिव्य वनस्पति, औषध, माँ लक्ष्मी सहित ऐरावत, कल्प वृक्ष, सब वो समुद्र मंथन के ही स्वरूप में वो निकले थे। वो तो ये दोनों ही जो स्वरूप हैं भगवान विष्णु के, जो जलचर, ये दोनों ही प्राणी हैं उभयचर। जो कछुआ है वो उभयचर, जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। तो भगवान विष्णु के जो दोनों ही स्वरूप हैं, अवतरण हुए हैं उनके, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं ज्योतिर्विज्ञान और वास्तु विज्ञान के अंतर्गत। अच्छा, मछली के बारे में जब हम बात करते हैं गुरुजी, तो देखा जाता है कि लोग एक्वेरियम रखते हैं घर में, ये क्या है, इसका क्या रहस्य है और किस तरह से रखना चाहिए इसको? देखिए, एक कृत्रिम एक जलाशय मछलियों को पालने का एक साधन होता है। रंग बिरंगी जो मछलियां होती हैं उनको पाला जाता है उसमें। एक्वेरियम, नाना प्रकार के जो एक्वेरियम है वो बाजार में उपलब्ध हैं छोटे बड़े आकार में। तो उसमें आप भिन्न भिन्न आकार प्रकार की अपने निवास भूखंड के अनुसार बड़ा छोटा आप रखते हैं, तो उसमें रंग बिरंगी जो मछलियाँ होती हैं वो पाली जाती हैं। वो शुभ होती हैं, उन्नति कारक, वंश वृद्धि की, लक्ष्मी की वो प्रतीक मानी जाती हैं। तो बहुत ही शुभ माना जाता है एक्वेरियम को अपने निवास में, कार्यालय में या स्वागत में रखना। वो अच्छा, एक्वेरियम जब जो लोग रखते हैं गुरुजी, तो क्या ये जैसे कि हम, चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि मछली जो है वो किस ग्रह की कारक है? देखिए, जो कारक की अगर बात करें तो शुक्र ग्रह की वो कारक है। भगवान विष्णु का ये प्रथम जो अवतरण है, शुक्र का और चंद्रमा का ये कारक माना जाता है, द्योतक माना जाता है वो। तो गुरुजी, इनको रखते समय जो एक्वेरियम रखते हैं लोग, उसमें संख्या की भी कोई बात आती है, कितनी संख्या में होनी चाहिए मछलियाँ? देखिए, वो जो संख्या की बात की है तो वो विषम उसमें आती है, जैसे दो हो गई, फिर उसके बाद वो पाँच हो गई, सात हो गई, नौ हो गई और वो बारह होंगे। तो उसमें वो शुभ मानी जाती हैं। रंग बिरंगी जो लाल रंग की हैं, सुनहरे रंग की हैं, जो गोल्डन रंग की होती हैं, गोल्डन कलर की जो मछलियाँ होती हैं वो शुभ मानी जाती हैं। उन्नति समृद्धि का वो स्वरूप मानी जाती हैं। तो बड़ी ही सौभाग्यशाली जो मत्स्य होती है घर में निवास में, उसको पालना वास्तविक स्वरूप में और उसका कृत्रिम स्वरूप में वो स्थापन करना बहुत ही शुभ कार्य होता है।
गुरु जी, अक्सर हमने देखा है, एक बार मैं हरिद्वार भी गया तो वहाँ देखा मैंने कि बहुत सारे लोग जो स्नान करने आते हैं, खास करके जो पितृ पूजन के लिए भी वहाँ आते हैं लोग, श्राद्ध के लिए भी आते हैं लोग, हमने देखा कि लोग आटा खरीद के वहाँ से गोलियाँ मछलियों को खिला रहे थे। जी, ये क्या रहस्य है, ये इतना बड़ा इसको महत्व दिया जाता है मछली को? देखिए, वो एक तरह का बड़ा महादान उसको माना जाता है, भगवान विष्णु के स्वरूप को अन्न दान हो गया, उसको भोजन कराना तो पितृ दोषों का शमन होता है। मछली को भोजन कराना, दान में जो आटा जो गूंद के उसकी गोलियां बना के डालना, तो बहुत अत्यधिक शुभ माना जाता है। और खासकर जिन व्यक्ति विशेष की कुंडली में जो राहु लग्न कुंडली अंतर्गत मेष राशि में बैठे हों, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि या धनु में जो वो नीच के बैठे हों, ऐसे व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यदि उनकी राहु की महादशाएं चल रही हो तो यदि ऐसे व्यक्ति वर्ष अंतर्गत एक बार अपना तुला दान कराएं, अपने वजन के बराबर जो आटे का तुला दान कर उसको गुंदवा के अगर वो मछलियों को डालते हैं, उनको खिलाते हैं, तो राहु के दोष जो हैं प्राय प्राय वो शमन हो जाते हैं। तो राहु के दोष के लिए जो आपने अभी बताया, ये राहु के दोष के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रयोग है, मछलियों को भोजन कराना, आटे की गोलियां डालना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अच्छा गुरुजी, उपाय में आप कई बार आपने बताया है तुला दान जी, तो क्या जो अगर कुछ ऐसा ग्रह दोष, विकट ग्रह दोष चल रहा जी, हो जी, जी, जी। तो मछली का क्या, मछलियों के साथ क्या प्रयोग है गुरुजी? देखिए, मछलियों का प्रयोग है कि जैसे विकट ग्रह चल रहा हो तो सबसे महत्वपूर्ण होता है तुला दान, अपने वजन का जो वजन के बराबर आटा, यानी कि आपके जितने भी समस्त दोष हैं वो भगवान विष्णु ने उसको ग्रहण कर लिया, उसको भक्षण कर लिया, आपके दोषों का हरण कर लिया, तो माना जाता बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि राहु दोष को अगर देखें तो भगवान विष्णु के ही स्वरूप ने राहु को खंडित किया था, राहु जो राक्षस था वो दैत्य था, तो उसके जब अमृत पान किया तो भगवान विष्णु ने चक्र से दो टुकड़े कर दिए, जो मस्तक वो राहु और धड़ केतु। तो राहु दोष निवारण के जितने भी उपाय हैं उसमें बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है भगवान विष्णु के स्वरूप को भोजन देना, अन्न दान देना या अपने वजन के बराबर आटे का गोलियां बनवा के डालना, आटे की गोलियां खिलाना, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। वर्ष अंतर्गत एक बार इसको यदि करते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनकी राहु की या केतु की महादशाएं चल रही हैं और जो राहु हैं वो क्रूर राशियों में, शत्रु राशियों में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, तो वो उनके लिए बहुत शुभदायक है। उनके जो राहु जनित दोष हैं उनका प्राय प्राय शमन हो जाता है। या क्या करें, जो ऐसे व्यक्ति कुछ मछलियाँ लें विषम संख्याओं में, जैसे 2, 5, 7, 9 या 12, उनको शुक्रवार अथवा बुधवार के दिवस में वो जल में प्रवाहित कर दें। जिंदा मछली जल में छोड़ने से राहु जनित, शुक्र जनित दोषों का शमन होने लगता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है मत्स्य का जो प्रयोग है ये। अच्छा गुरु जी, आपने शुरुआत में हमने बात की थी एक्वेरियम की, तो एक्वेरियम अक्सर रखने की एक प्रचलन चल पड़ा है और लोग रखते भी हैं, तो इसको रखने की सही जगह कौन सी है, कहाँ स्थापित करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए? देखिए, एक्वेरियम आपके जो जो स्वागत कक्ष है, भवन का, निवास का, कार्यालय है, उसमें आप स्थापित कर सकते हैं। जो गुरु वर्ग के लोग हैं वो ईशान में रखें, पूर्व दिशा में रखें, उत्तर में भी आप रख सकते हैं उसको। और जो शुक्र वर्ग के लोग हैं यदि वो उसको आग्नेय कोण में रखते हैं, शुक्र का वो स्थान होता है, शुक्र उसके स्वामी होते हैं और उनका वो कारक जीव माना जाता है, जलचर जीव, तो वो उसमें सौभाग्यशाली होता है, दोषों का हरण करने वाला होता है। उसके अतिरिक्त तो आप वायव्य कोण जो उत्तर और पश्चिम का जो मध्य भाग होता है, शुक्र वर्ग के लोग आग्नेय कोण में और उसको वायव्य कोण में स्थापित कर सकते हैं। अच्छा, ये गुरुजी दोनों वर्ग के लिए अलग अलग नियम क्यों है, ये वर्ग क्या है? देखिए, वर्ग बड़ा महत्वपूर्ण होता है हमारे ज्योतिर्विज्ञान को। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 वर्गों में इसको आधारभूत किया हुआ था। एक वर्ग गुरु का वर्ग, गुरु मतलब बृहस्पति देवताओं के गुरु, और गुरु परिषद संपूर्ण जो ग्रह परिषद है उसके वो आत्मकारक गुरु भी माने जाते हैं, तो उनके जो अधीनस्थ हैं वो सूर्य, चंद्र और मंगल, ये एक वर्ग हो गया। दूसरा वर्ग है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उसके अधिपति स्वयं शुक्रदेव, उनके अधीनस्थ राहु केतु
और शनि और बुध, बुध नपुंसक ग्रह माना जाता है, जैसे भाव में जिसके साथ बैठते हैं वैसे ही फल वो देने लगते हैं। तो शुक्र वर्ग के साथ में कौन कौन से ग्रह हैं? राहु, केतु, शनि और बुध, और गुरु वर्ग के साथ में आपके सूर्य, चंद्र और मंगल। अब हम वर्ग का पहचान कैसे करेंगे, लग्न कुंडली हमारी किस वर्ग की है? यदि देखें कि जो लग्नेश और भाग्येश प्रथम भाव और नवे भाव में यदि जो राशियां होती हैं उससे आप पहचान कर सकते हैं आप किस वर्ग के व्यक्ति हैं। उदाहरणार्थ अगर किसी व्यक्ति के लग्न कुंडली अंतर्गत प्रथम भाव में एक लिखा हुआ यानी कि मेष लग्न, नवे भाव में उसके नौ राशि आ जाएगी धनु लग्न, तो वो गुरु वर्ग का व्यक्ति है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके भाग्य के और जो शरीर के स्वामी हैं वो एक ही वर्ग के हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो गुरु वर्ग के हैं वो जो एक्वेरियम है उसको ईशान में रखें, पूर्व दिशा में रखें, उत्तर में भी वो रख सकते हैं। और जो शुक्र वर्ग के व्यक्ति हैं उनको आग्नेय कोण यानी दक्षिण और पूर्व दिशा का जो मध्य भाग होता है आग्नेय कोण, और वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम का जो मध्य भाग है यदि उसमें वो स्थापित करते हैं तो ज्यादा वो फलीभूत होता है। अच्छा गुरुजी, अगर इस तरह की जगह की अभाव कुछ दिक्कत है जी, मतलब कि अगर हम वहाँ नहीं रख सकते जहाँ पे ये जिस दिशा में रखने की बात हो रही है जी, तब क्या करना चाहिए? तब उसका जो कृत्रिम स्वरूप है आप उसको स्थापित कर सकते हैं, जैसे एरोबना जो मत्स्य मछली है उसके कास्ट के या पोर्सलिन के जो रंग बिरंगे स्वरूप है आप उसको कहीं भी आप स्थापित कर सकते हैं तो वो शुभ फलदायी होती हैं। पर यदि आप जीवित मछलियां एक्वेरियम में रख रहे हैं तो उनका निर्धारित स्थल, दिशा, विदिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है उनमें स्थापित करना हो। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आपने एक उपाय बताया कि तुला दान का जी, तो तुला दान करते समय अक्सर लोग फोन से पता किया और बात किया और उपाय करवाया और कहीं कोई और, कहीं उसका जिसके साथ करना है उसको कहीं और है और जिसको करना है वो कहीं और है, तो उसने उसके वजन पूछा और उसके वजन के बराबर का तुला दान कर दिया, ये ठीक है? देखिए वो सब बेकार की बातें हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। और एक बात तुला दान में और विशेष ध्यान रखें, जिन वस्त्रों को पहन के आपने तुला दान करा है उसको दोबारा नहीं पहनना होता, किसी भिखारी को, किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो उसका उपयोग कर सके। जिन वस्त्रों में आप तुला दान कराते हैं उनका निषेध होता है उनको पुनः पहनना, उनको दोबारा से धारण करना, तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। और तुला दान का सबसे महत्वपूर्ण जो भाव है वो अपने वजन के बराबर, स्वयं आप एक पल्ले में बैठें दूसरे में आटा रखें, जब वो झुक जाए तब उतर के उसका आप वजन कराएं, उसका मूल्य लें, तो वही तुला दान वास्तव स्वरूप में होता है। गुरुजी ये काफी रोचक जानकारी थी कि तुला दान का नियम क्या है, नियम जानना जरूरी होता है, कोई भी काम करने से पहले नियम को जानना आवश्यक होता है। यहाँ हम रुकेंगे एक विराम के लिए, विराम के बाद जब हम वापस आएंगे तब हम बात करेंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार यानी कछुए के रूप में भगवान ने हमारे मानव कल्याण के लिए क्या छोड़ा हुआ है। दोस्तों हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार यानी कच्छप यानी कछुआ के बारे में कि वो क्या स्वरूप है और उनसे किस किस तरह के लाभ हमको मिलते हैं और किस किस तरह से लाभकारी हैं हमारे ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार, वास्तु विज्ञान के अनुसार हम किस तरह से इनके प्रतीक से हम लाभ ले सकते हैं। तो गुरुजी हम बात करेंगे अब कछुए की, तो भगवान विष्णु के इस अवतार के बारे में पहले तो थोड़ा सा परिचय दें हमारे मित्रों को कि ये अवतार क्या है। देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के लिए भगवान जो विष्णु हैं उन्होंने कच्छप कूर्म अवतार धारण किया, सुमेरु पर्वत क्योंकि वो बहुत भारी पर्वत था अपनी पीठ पे उसको धारण किया। कछुए की जो पीठ होती है बड़ी कठोर होती है, मजबूत होती है, तो तब उसका समुद्र मंथन हुआ जिसमें माँ भगवती लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, ऐरावत जो हाथी हैं उसमें नाना प्रकार के रत्न आभूषण उनकी उत्पत्ति हुई, अमृत भी वहीं से निकला, विष भी वहीं से निकला। तो जो समुद्र मंथन का मूल आधार उत्पत्ति, नाना प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनकी उत्पत्ति हुई, तो इसलिए जो कछुआ है भगवान विष्णु का जो द्वितीय अवतार है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उन्नति, उत्पत्ति, वैभव, संतति, वंश वृद्धि का वो स्वरूप माना जाता है, वैभव कीर्ति का वो स्वरूप माना जाता है। तो भगवान विष्णु का जो है अवतार है वो ज्योतिर्विज्ञान अंतर्गत, वास्तु विज्ञान अंतर्गत बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
अच्छा गुरुजी, जब हम तरह तरह के प्रतीकों की बात कर रहे हैं, स्वरूपों की बात कर रहे हैं भगवान के, तो हमको कुछ इस तरह के प्रतीक सामने मिल रहे हैं जिससे कि मानव कल्याण के लिए भगवान ने बहुत सारे रूप लिए और हमको बहुत कुछ सौंप दिया है कि हम अपना जीवन अपने आप ठीक कर सकते हैं। उसी में से ज्योतिर्विज्ञान, वास्तु विज्ञान भी है जो ये बताता है कि किस तरह से कछुए को हम प्रयोग में ले सकते हैं। गुरु जी, जैसे कि लाफिंग बुद्धा के बारे में आप बता रहे थे, उसी तरह से क्या कछुए का जो ये कछुआ का जो हम रखने के कृत्रिम स्वरूप जो है वो जो घर में रखते हैं, उसको रखने की कोई विधि है खास, किस तरह से रखना चाहिए और किस तरह के लाभ के लिए किस तरह कछुआ? देखिए, कछुआ जो उसके टर्टल जो है वो अलग अलग स्थानों में पाए जाते हैं। जैसे समुद्री कछुआ जो अलग होता है, नदियों का अलग होता है, जो तालाबों में पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न जाति प्रजाति के ये जो कछुए पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो वास्तु विज्ञान और फेंग शुई अंतर्गत इनके अलग अलग स्वरूपों का निर्माण किया है जो फेंग शुई प्रवर्तक विद्वान हैं। तो कछुए का देखें, कोई भी स्वरूप हो, यदि आप उसको स्थापित करते हैं, सदैव ध्यान रखें कि जो कछुआ है वो बाहर की ओर जाते हुए नहीं हो, यानी कि आपके निवास की तरफ उसका मुख ना हो, वो अंदर आती हुई अवस्था में रखें उसको, जैसे वो अंदर प्रवेश कर रहा है। क्योंकि जो कछुआ है वो नारायण का अवतार माना जाता है, धन लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। जो नारायण श्री हरि विष्णु है वो लक्ष्मी अधिपति माने जाते हैं। कछुए से ही जो माँ भगवती लक्ष्मी है उनकी उत्पत्ति हुई, समुद्र मंथन हुआ, तो नाना प्रकार की विधाओं का, रत्नों का, वैभव का, उन्नति का वो कारक माना जाता है। तो वो अंदर आते हुए, यानी कि इनसाइड, उसका मुख अंदर की ओर, वो अंदर प्रवेश कर रहा है, धन संपत्ति वो लेके आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। तो ऐसी अवस्था में उसको आप अपने द्वार के पास उत्तर दिशा में भिन्न भिन्न प्रकार से आप उसको स्थापित कर सकते हैं। अच्छा गुरु जी, इनके जिसे हम लाफिंग बुद्धा के बारे में बात कर रहे थे या और भी जो आकार प्रकार हैं, तो इसमें अगर जिस तरह का लाभ लेना हो, जैसे मान लीजिए किसी को वंश वृद्धि के लिए रखना है इनको, तो वो कौन सा स्वरूप है जिसको रखना चाहिए? देखिए, आप देखेंगे मार्केट में, बाजार में बहुत सारे कछुए के जो प्रतीकात्मक स्वरूप उपलब्ध हैं, उसमें प्रतीकात्मक जो स्वरूप देखेंगे, कछुआ, बड़ा कछुआ, वो जो सोने की स्वर्ण मुद्राएं हैं, या इनगोट के ऊपर बैठा हुआ एक सोने का कटोरा, उसमें लड्डू, उसके ऊपर कछुआ, फिर उसके ऊपर भी एक कछुआ, छोटा कछुआ, फिर उसके ऊपर भी एक कछुआ, ऐसे कछुए के ऊपर कछुए, तो वो वंश वृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। यानी कि वो जीवन को, जो आपके वंश को है, वो उन्नति कारक, वृद्धि कारक वो बनाते हैं। ऐसा वो धनात्मक ऊर्जाओं का उत्सर्जन करते हैं। तो जो आपने वंश वृद्धि की बात की, तो उसमें कछुए के ऊपर कछुए और कछुए के ऊपर कछुए, ऐसा स्वरूप आप अपने उत्तर दिशा में स्थापित करें, या ऐसे जो निसंतान दंपति हैं वो अपने उसको शयन कक्ष में उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में और ईशान दिशा में आप उसको स्थापित कर सकते हैं। वो अगर हम, जैसे कि अभी कार्यक्रम के पिछले भाग में ही आप बता रहे थे गुरु जी की दो वर्ग हैं और वर्ग के हिसाब से चीजों को रखना और उसका जगह निर्धारित करना चाहिए, तो इसमें भी क्या कुछ नियम है गुरु जी कछुए के साथ भी? नहीं, इसके लिए कोई नियम है। दोनों वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो इनको अपने निवास में, अपने शयन कक्ष में, स्वागत कक्ष में, अपने कार्यालय में, ऑफिस में आप उसको स्थापित कर सकते हैं। तो गुरु जी, जैसे कि हम अगर किसी भी रूप में लाभ लेने के लिए अगर हम कछुए को घर ला रहे हैं जो कृत्रिम स्वरूप है, तो इसको लाने की, घर लाने के लिए कोई तिथि या दिन का भी कुछ नियम है? देखिए, बिल्कुल नियम है। जो भी आप सौभाग्यशाली जो वस्तु हैं, जब भी आप उनको लाएं, कोई भी शुभ कार्य करें तो शुक्ल पक्ष में, और यदि कछुआ आप रविवार के दिवस में, सोमवार के दिवस में, बुधवार और गुरुवार के दिवस में इसको लाते हैं, तो बहुत ही वो उन्नतिशाली, वैभवशाली और उसके जो शुभ प्रभाव हैं उनमें अत्यधिक वृद्धि का वो कारक माने जाते हैं वो। अच्छा, कछुए को गुरुजी जो रखने की आपने बताई, उत्तर दिशा बताई जी? उत्तर दिशा, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का, कुबेर का स्थान है, कछुए के ऊपर ही समुद्र मंथन हुआ था, तो उस दिशा का वो कारक जल स्थल का वो जीव माना जाता है, उभयचर वो जीव माना जाता है, अपमार्जक वो जीव माना जाता है जल का, तो उत्तर दिशा का वो कारक जीव है वो।
अच्छा गुरु जी, केवल अगर सौभाग्य धन संपत्ति के लिए केवल कछुआ ला रहे हैं तो वो कौन सा स्वरूप है जिसको लाना चाहिए? देखिए, उसमें बहुत सारे स्वर्ण जो सिक्के हैं उनके ऊपर बैठा हुआ और सिक्कों की मालाएं उस कछुए के ऊपर पड़ी हुई हैं, ऐसा जो रंग बिरंगे स्वरूप में जो कछुआ है उसको आप लाएं, उत्तर दिशा में रखें, या पोर्सलिन के या ग्लास के बने हुए जो कछुए हैं उनको आप एक बाउल ले लें या जल कुंड ले लें ग्लास का, उसमें पानी भर के उसमें आप वो कछुआ स्थापित करें। पर ये ध्यान रखें उसका जो मुख हो वो दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि उत्तर से वो आ रहा हो, ऐसा ना करें कि वो उत्तर की तरफ जा रहा हो तो धन का आगमन आपके बाहर हो जाएगा, धन का व्यय होना शुरू हो जाएगा। आप सदैव ध्यान रखें वो घर में आपके प्रवेश कर रहा हो या उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख हो, ऐसी अवस्था में आप उसको जल कुंड में अथवा किसी स्टूल पे, मेज पे, कार्निस पे उसको आप स्थापित करें। अच्छा गुरुजी, क्या जैसे जीवित कछुआ जैसे मछली के साथ था जी, उस तरह से जीवित कछुआ रखने की या पालने की? देखिए, जीवित कछुआ ना रखना चाहिए ना पालना चाहिए, और कानूनन रूप से भी वो प्रतिबंधित अत्यधिक संकटापन्न वो श्रेणी का वो जीव आ गया है, अत्यधिक दुर्लभ हो गए हैं कछुए, तो उनको पालना भी निषेध होता है। और हमारे ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार जो वास्तु विज्ञान है अगर उसमें देखें तो पालने का कहीं वर्णन नहीं है, आप उनके कृत्रिम स्वरूप है उसको ही सदैव स्थापित कर सकते हैं वो। गुरुजी, अगर हम जिसे घर में रखा, किसी ने भवन में रखा, तो उसका आकार प्रकार किस तरह का होना चाहिए, कितनी बड़ी साइज? देखिए, आकार प्रकार की अगर बात करें तो वो स्थान अपना देखें कि वो कितना बड़ा है, उसके अनुसार आप अपने स्थान के अनुसार उसका आकार प्रकार आप ले सकते हैं। एक कछुए से आप ज्यादा कछुए भी रख सकते हैं, उत्तर दिशा में रख सकते हैं। जो आपका स्वागत कक्ष है उसके अन्य जो कोण शुभ कोण है उसमें, जैसे उत्तर है, ईशान हो गया, पूर्व में, उनमें भी आप एक से ज्यादा आप कछुए स्थापित कर सकते हैं, तो शुभ कार्य होते हैं। एक तरह से देखा जाए गुरुजी, तो जितने भी स्वरूप अभी तक हम देखे हैं, लाफिंग बुद्धा से लेके और मछली और जो भी जी, उसमें कछुए को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, सहनशील और दीर्घायु वाला कारक माना जाता है। उसकी जो पीठ होती है वो बड़ी कठोर होती है, समुद्र मंथन उसके ऊपर हुआ था तो दृढ़ इच्छा शक्ति, उन्नति, वैभव, कीर्ति का वो प्रतीक माना जाता है, वंश वृद्धि का वो प्रतीक माना जाता है, दीर्घायु का वो प्रतीक माना जाता है। कछुए की आयु बहुत होती है, 70-80-90 साल तक वो जीवित रहता है, तो दीर्घायु का भी वो प्रतीक माना जाता है वो। अच्छा, किस तरह के, अगर गुरुजी ज्योतिर्विज्ञान की हम बात करें तो किसी के साथ अगर कोई ग्रह दोष चल रहा है या किसी तरह की समस्या है उसको कुंडली में, तो उसके लिए भी क्या कुछ कछुए का नियम है कुछ? जी बिल्कुल, राहु जनित राहु दोष से पीड़ित व्यक्ति विशेष यदि अपने निवास में, कार्यालय में, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में कछुए के प्रतीक स्थापित करते हैं तो राहु जनित दोषों का शमन होने लगता है। गुरु जी, भगवान विष्णु के आज दो अवतार के बारे में हमने बात की और बहुत ही रोचक जानकारी आपने दी, लेकिन अब समय हो गया है कि हम दर्शकों से विदा लें। आज का कार्यक्रम यही संपन्न करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। नमस्कार जी। नमस्कार।